नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। जोहर ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने पोटका चौक से रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए पोटका प्रखंड कार्यालय पहुंचे एवं प्रदर्शन किया। इसके पश्चात केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की सभी योजनाएं धरातल तक पहुंचाने की मांग की। इस दौरान समिति के अध्यक्ष महीन सरदार तपन दास एवं अन्य समर्थकों के द्वारा पोटका वीडियो को केंद्र सरकार एवं झारखंड सरकार के नाम मांग पत्र सौंपा गया। इस मांग पत्र के माध्यम से समिति ने मांग की कि केंद्र हो या राज्य सरकार की सभी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है, इन सभी जरूरतमंद तक इसका लाभ पहुंचे, इसको लेकर समिति लगातार आंदोलन करती रही है। अध्यक्ष महीन सरदार ने कहा कि 50% योजनाओं लाभुकों तक ही पहुंच पाता है, बाकी रास्ते से ही गायब हो जा रहा है। जरूरतमंदों तक उनकी योजनाएं कैसे पहुंचे, समिति इसके लिए लगातार प्रयास कर रही। और वहीं उन्होंने कहा कि आज ग्रामीणों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि झारखंड उड़ीसा को जोड़ने वाली सड़क रसून चोपा के आसपास 5 से 7 किलोमीटर जर्जर है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी दूरी में लोगों को आधा घंटा से 40 मिनट का समय लगता है। तपन दास ने कहा कि हम सब जरूरतमंदों तक योजनाएं पहुंचे, इसको लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं इस दौरान पोटका के वीडियो अभय कुमार द्विवेदी को भारत सरकार के प्रधानमंत्री एवं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए अविलंब जरूरतमंदों तक योजनाएं पहुंचाने की मांग की। मौके पर महासचिव श्रीकांत सरदार, सचिव मीना वाक्ती, सामोल कृष्ण सरदार, अनीता सरदार, लकी कांत हांसदा, बृहस्पति सरदार, लखन मांझी, देव सिंह सरदार आदि उपस्थित रहे। जमशेदपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। ग्रामीण संघर्ष समिति बना की देखिए, पोटका विधानसभा में झारखंड होने के बाद जो होना चाहिए था आज तक नहीं, बहुत दुख के साथ आपको कह रहे हैं। हम लोग झारखंड इसलिए नहीं लिए थे कि हम लोग वो लोग दौड़े डीसी का हुआ दौड़े, कहीं काम नहीं है। प्रखंड में जाए इतना दूर दूर से आएगा आदमी, घूम घूम के जाएगा, काम नहीं होगा और इसमें बहुत तकलीफ लगता है। हम लोग ये सोच के झारखंड लिए थे कि झारखंड होने के बाद अफसर घर जाएगा और घर में ही उसका काम है, यही सोचे थे। अफसर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे ग्राम सेवक सेवक हैं सब, हम लोग सोचते थे घर जाके उसका काम हो जाएगा, उनको आना नहीं पड़ेगा, एक अच्छा जीवन हम लोग जिएंगे। मगर ऐसा नहीं होने के कारण हम लोग बैठक किए, बैठक करके हम लोग बोले एक संगठन, सामाजिक संगठन बनाएं और सामाजिक संगठन बनाएं इस परिस्थिति में बनाएं कि जोहार ग्रामीण संघर्ष समिति बनाए। और ये बनाने का हम लोग मन उद्देश्य है कि हम लोग लड़ेंगे पहले जैसे लड़के झारखंड लिए। अभी अपना गरीब मजदूर आपका किसी जो मजदूर हुआ, खेती हुआ, जो हमारे मजदूर हैं महिला पुरुष, इनका हक दिलाने के लिए संगठन काम करेगा और इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। पहले जैसा आंदोलन करके हम लोग झारखंड ले सकते, हम लोग ये संगठन में रह कर आंदोलन करेंगे और हमारे ग्रामीण का शोषण से हमने मुक्त करेंगे, यही मेरा उद्देश्य। जोहार ग्रामीण विकास संघर्ष समिति के द्वारा और विभिन्न गांव से और हमारे विभिन्न समिति के पदाधिकारी लोग, आप जानते होंगे पिछले दिनों हम लोग तेतला रिजोर्ट में 24/6/2024 को एक बैठकी हुई और हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग ग्रामीणों को मिल के साथ हम लोग चर्चा किए कि हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जो झारखंड सरकार के और केंद्र सरकार के कम से कम कितने सालों से योजनाएं बन रही है लेकिन गरीबों आम जनताओं के लिए सही मायने में उन लोगों को नहीं मिल पा रहा। हम लोग वहाँ पर विचार किए और विचार करने के बावजूद हम लोग सोचे कि हम लोग आम जनताओं को लाभ कैसा मिले। हम लोग इसलिए वहाँ पर एक नॉन पॉलिटिकल संस्था का गठन किए जिसका नाम है जोहार ग्रामीण भिकार संघर्ष समिति। उसके बैनर तले हम लोग 3 प्रोग्राम करने का उद्देश्य रखा सभी लोगों के बीच में और सभी लोग चाहते थे कि लोगों के बीच सही मायने में हक अधिकार मिले। तो पहला हम लोग का कार्यक्रम था ये आज 16/7/2024 को एक पोटका प्रखंड में और 19/7/2024 को डुमरिया प्रखंड में है और जमशेदपुर प्रखंड में 23/7/2024 को जमशेदपुर प्रखंड में। आज हम लोग वीडियो के माध्यम से हम लोग अवगत कराए हैं, झारखंड सरकार को एक पत्र ज्ञापन सौंपे और एक ज्ञापन हम लोग भारत सरकार को प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे। इसमें हम लोग लगभग आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट बोलेंगे हम 29 सूत्री मांगों के लेके हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपे और वीडियो साहब ने हम लोग को बहुत ही अच्छा से आश्वासन दिया कि जो हमारे पावर हमारे अधिकार क्षेत्र में रहेगा तो हम हमेशा आप लोग के लिए काम करने के लिए तैयार है और जो हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसको झारखंड सरकार या भारत सरकार को हम लोग अवगत कराएंगे। इसमें से कुछ हमारे
20 सूत्री मांग में से नहीं 29 सूत्री मांग में से कुछ हमारे हैं जो एक दो पॉइंट आपको बोलना चाहूँगा। जो यहाँ का वन इसमें हाता से उड़ीसा जाने संक्षेप में बोला, हाता से उड़ीसा जाने वाली जो रोड है आप लोग जानते होंगे जो टच करता है झारखंड और उड़ीसा को, उसमें कम से कम हम लोग को पाँच छः किलोमीटर जाने में हम लोग को कम से कम आधा घंटा एक घंटा लग जाता है। मतलब हाईवे रोड में आधा घंटा एक घंटा लग जाता है तो समझ रही है उसमें किस तरह का जर्जर हो सकता है। और वो रोड जल्द से जल्द जिसके भी मंत्रालय से जिससे भी आम जनता को राहत दिलाने के लिए सभी सरकारें मिल के बनाएं और राहत दें। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।